साल 2020 मक्का किसानों के लिए बेहद खराब रहा था। साल 2021 भी मक्का किसानों के लिए कुछ खास नहीं रहा है। साल 2021 अंत होने को है और अभी तक मक्के में कोई विशेष तेजी बनती नजर नहीं आई है। आगे मक्के की डिमांड कैसी रहेगी और क्या मक्के में आगे तेजी रहेगी या मंदी, यही जानने की कोशिश करेंगे। साल 2020 में कोविड के चलते देशव्यापी लॉकडाउन लगा था, जिससे किसान अपने मक्का को मंडियों में नहीं बेच पाए और उत्पादन भी ज्यादा देखने को मिला था, जिससे कीमतों में गिरावट रही थी। हाल ये रहा था कि MSP के आधे से भी नीचे के भाव किसानों को मिले थे। वहीं साल 2021 में जब मंडियां खुली तो मक्का किसानों को पहले के मुकाबले दाम कुछ सुधरे हुए मिले, लेकिन MSP अभी भी ज्यादातर किसानों को नहीं मिल पाई थी। मक्के की मंदी तेजी को कैटल फील्ड से भी जोड़कर देखा जा सकता है। 2021 में सोयाबीन समेत अन्य तेल तिलहनों के दाम ज्यादा बढ़ते दिखाई दिए हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर सोयाबीन का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी पोल्ट्री के लिए सोयाबीन के दाम ज्यादा बढ़ जाते हैं तो पोल्ट्री मोटे अनाजों की ओर रुख करती है, क्योंकि मोटे अनाज जैसे कि मक्का हुआ, बाजरा हुआ आदि पशु चारे में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और ये सोयाबीन के मुकाबले सस्ते भी हैं। जानकारों के अनुसार वर्तमान में सोयाबीन के दाम काफी बढ़े हुए हैं। जब भी सोयाबीन के दाम ज्यादा बढ़ते हैं, पोल्ट्री इसके विकल्प की ओर रुख करती है और मक्का इसका बेहतरीन विकल्प है, जिसको पशु चारे में इस्तेमाल किया जा सकता है। खाद्य तेलों के दाम गिरने से मक्के के भी दाम गिर गए थे, लेकिन अब मक्के की पोल्ट्री की ओर से इंडस्ट्रियल डिमांड निकल सकती है। उत्पादक राज्यों में भी मक्के की मांग निरंतर बनी हुई है। जानकारों के अनुसार मक्का किसानों को अभी मक्का रोककर चलना सही रहेगा। आगे मक्के की कीमतों में तेजी बनती नजर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।